सर्दी में ही नर्मदा नदी का जल स्तर घटने लगा है। प्रशासन ने इसलिए निर्णय लिया है कि डिंडौरी में नर्मदा जल का उपयोग सिर्फ पीने के लिए किया जाएगा। जो भी इस फैसले का उल्लंघन करेगा उसे सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिले में पेयजल समस्या को देखते हुए डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक नर्मदा नदी से औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए लोग पानी नहीं ले पाएंगे। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर नर्मदा नदी के जल से सिंचाई, औद्योगिक या अन्य कृषि कार्य के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति के नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने पर 2 वर्ष का कारावास या फिर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले में नर्मदा नदी पर बने स्टॉप डैम के जल भराव क्षेत्र से नदी के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों के किनारों पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा कृषि कार्य के लिए नदी से पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी का जल स्तर तीव्र गति से कम हो रहा है। इसके कारण भविष्य में पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 व 4 के प्रावधानों के अनुसार जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा व 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।